नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, इसमें आज पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय और जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। देखिए विद्यार्थियों, जब अर्जुन युद्ध विमुख हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यने संयमाग्निषु जोवति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जोवति। क्या कहते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, कौन सी इंद्रियां, श्रोत्रादि, कि श्रोत्र आदिनि इंद्रियाणि, कि जो श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं, क्या कहा, श्रोत्र आदिनि इंद्रियाणि, श्रोत्र से तात्पर्य क्या है, श्रोत्र कहते हैं कान को, तो क्या कहेंगे, श्रोत्र चक्षु त्वक रसना और नासिका, ये पांच क्या हो गई, ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, कि जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, अन्य क्या कहा, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य, संयम अग्निषु जोवति, कि जो श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं उनको अन्य अर्थात अन्य जो योगी जन हैं, संयम अग्निषु जोवति, कि संयम रूपी अग्नि में आह्वान करते हैं, आहुति देते हैं, क्या कहा, कि श्रोत्र आदि ने इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जोवति, कि कुछ योगी जन ऐसे होते हैं जो श्रोत्र आदि पांच इंद्रियां हैं उनको संयम की अग्नि में आहुति दे देते हैं अर्थात उनको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और शब्दादीन विषयान, कि जो शब्दादि विषय होते हैं अन्य इंद्रियाग्नि सुजुवती, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शब्दादि जो पांच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनको इंद्रियाग्नि में आहुत करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न योगी जन हैं और जो योगी होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्ति के विचार होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी इंद्रियों के लिए जो वर्णन किया गया है कि कोई यज्ञ कैसे भी करता है, कोई यज्ञ कैसे करता है, तो क्या कहा है कि शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुवति, कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो श्रोत्र आदि पाँच इंद्रियाँ हैं उनको संयमक की अग्नि में झोंक देते हैं अर्थात उनको नियंत्रण में कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पांच विषयों का भोग अपनी पांच इंद्रियों को कराते हैं। देखिए पांच इंद्रियां होती हैं श्रोत्र चक्षु त्वक घ्राण सॉरी जीवा और घ्राण, इनके पांच विषय होते हैं विद्यार्थियों, शब्द रूप स्पर्श रस और गंध, और क्या होता है,
गंध। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो ऐसे होते हैं इनको संयम में कर लेते हैं, और दूसरे प्रकार के जो योगी होते हैं वे ऐसे होते हैं कि इन विषयों को अपनी इंद्रियों को आहूत कर देते हैं। तो अलग अलग वर्णन किया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए फिर क्या कहते हैं, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुवती ज्ञान दीप्ते। देखिए सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी कि सभी इंद्रियों के कर्मों को, प्राण कर्माणी च और प्राण कर्मों को, अपरे कहते हैं दूसरे योगी जन। क्या कहा, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी कि सभी इंद्रियों के कर्मों को, प्राण कर्माणी च अपरे और प्राण कर्मों को, अपरे माने दूसरे, आत्म संयम योग अग्नौ, आत्म संयम योग अग्नौ जोवती के आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में आहूत कर देते हैं, ज्ञान दीप्ते अर्थात जब उनको ज्ञान हो जाता है तो वे इन सभी विषयों को योग की अग्नि में, और कौन से योग की अग्नि, आत्म संयम रूपी जो योग की अग्नि होती है उसमें उसकी आहुति दे देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी च अपरे कि सभी इंद्रिय कर्मों को और प्राण कर्मों को, अपरे माने दूसरे, कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी च अपरे कि सभी इंद्रिय कर्मों को और प्राण कर्मों को जो दूसरे योगी जन हैं, आत्म संयम योग अग्नौ जोवती ज्ञान दीप्ते कि जब उनको ज्ञान हो जाता है तो वे आत्म संयम रूपी योग अग्नि में सभी प्राण कर्मों को और सभी इंद्रियों के कर्मों को आहूत कर देते हैं, उनकी आहुति दे देते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं, यह प्रश्न अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है विद्यार्थियों कि भगवत गीता के अनुसार यज्ञों के नाम बताओ पांच, आप इसको याद कर लेना कौन से यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास च यतः संसित वृताः। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं द्रव्य यज्ञ करते हैं, एक ही हो गया द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ दूसरा हो गया, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तप यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ होता है और ज्ञान यज्ञ होता है, पांच यज्ञ हैं। और विद्यार्थियों पांचों यज्ञ परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे, तीन तो पहली पंक्ति में हो गए और दो ये हो गए। तो क्या कहते हैं कि यतया संसिद्ध व्रता कि जो यति जो सन्यासी होते हैं, जो निश्चित व्रत वाले होते हैं, ऐसे जो सन्यासी होते हैं तो उन्होंने क्या बताया, यतः संन्यास वो यतया संसिद्ध व्रता कि जो यति निश्चित व्रत वाले होते हैं, संसिद्ध व्रत वाले होते हैं, वे द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को करते हैं। इस प्रकार से इसमें केवल पांच यज्ञों का नाम गिनाया गया है, और परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं कि पांच यज्ञों के नाम बताइए, गीता में वर्णित पांच यज्ञों के नाम बताइए। अब देखिए अपाने जोवती प्राण, वायुओं के पांच भेद होते हैं, प्राण अपान उदान समान और व्यान, कौन से होते हैं, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये आपने वायु प्रकरण में पढ़े तर्क संग्रह में। देखिए प्राणे जोवती प्राणम सॉरी अपाने जोवती प्राण के अपान वायु में आहुति दे देते हैं प्राण वायु की, प्राणे अपानम तथा अपरे और प्राण वायु में आहुति दे देते हैं अपान की।
प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणायाम प्रायणः, कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्राणायाम करते हैं। क्या बताया, देखिए कि अपाने जोवति प्राण, के अपान में अपान वायु, वायु का भेद है ये प्राण वायु का, के प्राण वायु में अपान में प्राण का आह्वान कर देते हैं, आहुति दे देते हैं, प्राणे अपानम तथा परे, और प्राण वायु में अपान का, और प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणायाम प्रायणः, कि वे प्राणायाम प्रायण हो जाते हैं, अर्थात वे प्राणायाम करते हैं। फिर देखिए, अपरे नियत आरा प्राणान प्राणेषु जोवति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलमसाह। क्या बताया कि अपरे जो दूसरे योगी होते हैं, नियत आहारा, उनका आहार कैसा होता है, नियत होता है, प्राणान प्राणेषु जोवति, वे प्राणा प्राणवायु को प्राणवायु में आहुति दे देते हैं, और सर्वे अपि एते यज्ञ विदो, कि ये सभी जो यज्ञों को जानने वाले हैं, जितने ये जो यज्ञ गिनाए हैं, यज्ञ छपित कलमसाह, कि ये यज्ञ के द्वारा अपने दोषों को नष्ट करते हैं। क्या बताया कि अपरे नियतारा प्राणान प्राणेषु जोवति, कि अपरे जो दूसरे होते हैं जिनका आहार निश्चित होता है, जो व्रत आदि करते हैं, ऐसे जो योगी जन होते हैं, प्राणेषु प्राणान जुवति, कि वे प्राणवायु में प्राणवायु का आह्वान करते हैं, आहुति दे देते हैं, और सर्वे अपि एते यज्ञ विदो, कि ये सभी जो यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ छपित कलमसाह, कि वे यज्ञ के द्वारा कलमसाह दोषों को नष्ट करते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए, प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आत्मा के 5 विशेषण लिखिए। दूसरा है, गीता में वर्णित 5 यज्ञों के नाम लिखिए। तीसरा है, शांति को कौन प्राप्त करता है। चौथा है, भगवान इस संसार में क्यों प्रकट होते हैं। सृष्टि
प्रक्रिया। सृष्टि प्रक्रिया बताने वाला श्लोक लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।